लोगों से मैंने बात करी, सारे लोगों ने बोला कि थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना यहाँ पे। जिनका घर है बोल रहे हैं यहाँ पे ये लोग सोते हैं, कम से कम 4 से 5 लोग को यहाँ पे फिट होना पड़ता है। फिटर ये लोग नाले के पानी के बस लग के ही ये लोग रह रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे कोई डीजे चल रहा है, ऐसे भाई माहौल आपको देखने को मिलेंगे। This is the most of the work which people do here, right? Yeah, scrap they're work. Sorting. They're sorting scraps. Welcome to my channel, everyone. My name is Vishnu, और आप लोग देख रहे हो मेरा channel Wandering Maniac. स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में from Manila, Philippines. तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने भाई आप लोगों को जो मनीला है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दिखाया था आप लोगों को, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ के मनीला के आप लोग ये देख लो भाई, ये बाइक को भाई इन्होंने यार रिक्शा में बदल दिया है। तो ऐसे भी आप लोग काफ़ी यहाँ पे मॉल देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ का भाई पूरा मॉल ही ले सकते हो आप लोग, काफ़ी विंटेज टाइप वाइब है। ये देखो भाई साहब क्या चीज़ है ये। एक्चुअली भाई आज हम लोग मनीला में भाई टोंडो प्लेस है एक यहाँ पे, जो कि यहाँ पे काफ़ी ओल्ड टाउन बोल सकते हो आप लोग, स्पेनिश कॉलोनियल डेज के टाइम का सिटी है वो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है ऐसा मैंने वहाँ पे सुना है। एक्चुअली वहाँ के जो एरियाज़ है थोड़े बहुत स्लम्स में भी आते हैं बोल सकते हो आप लोग मनीला के, एंड क्योंकि वो प्लेस जो है थोड़ा सा अलग है रेस्ट ऑफ मनीला से। मेरे को आज स्पेशली आज एक लोकल है जो हेल्प कर रही है, सो शी इज़ हेल्पिंग मी टुडे टू एक्सप्लोर टोंडो। हाउ डू यू थिंक इट वुड बी व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ मनीला? या एंड शी इज़ पिया, तो हमने सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट करा एंड देन शी इज़ गाइडिंग मी इन मनीला। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को मनीला के बारे में, लास्ट बस 2-3 दिन से मैं हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि हम थोड़ा अलग प्लेस में एक्सप्लोर कर रहे हैं आज, तो मैंने सोचा कि यार लोकल लोगों की हेल्प मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि जब लोगों से इंटरेक्शन होती है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बट आप लोगों को यहाँ पे भाई ऐसा मॉल देखने मिल जाएगा जो अगेन आप लोगों ने भाई हमारे लास्ट वीडियो में देखी थी। ये आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक फिलिपिनो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जितनी जो है दुनिया में बस आप लोग फिलीपींस में ही देखने मिल सकती है। भाई हम लोग जो टोंडो है टोंडो के एरिया की तरफ अभी एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कुछ क्रेजी सी नदी टाइप। व्हाट इज दिस, यू थिंक इट्स ए रिवर और स्मोकी माउंटेन एरिया? एंड दिस इज क्लीन वाटर और वो? ये देख लो भाई कुछ नाला देखने को तो डाना नाला ही लग रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे। तो अभी भाई हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ये वाले एरिया में, और सही बता दो ये वाले एरियाज के बारे में ज़्यादा कुछ मैंने खास स्टोरी सुने नहीं है, काफ़ी फिशी काइंड ऑफ स्टोरी सुने मैंने इसके बाद। जितने भी लोगों से मैंने बात करी सारे लोगों ने बोला कि थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर यू? यस। आर यू एक्साइटेड? Yes and no. From although I live here in Manila, I'm born here, but there are lots of scary stories that circulating around Tondo, and especially this area which is a smoky mountain. Mysterious stories. Yes. okay. तो यहाँ पे पिया बोल रही है क्योंकि पुराने टाइम पे क्योंकि काफ़ी पुराना शहर है ये, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कचरों का डंप किया जाता था, वो डंप के वजह से ये एरिया का नाम स्मोकी माउंटेन भी पड़ चुका है अभी। तो सारे गाड़ियाँ देख सकते हो आप लोग, और हमारा बजाज भाई पर यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया इन्होंने, बट एनीवेज हेलो हाउ आर यू, हाउ डू से हेलो इन हेलो? ओके कमुस्ता, ओके यहाँ पे कमुस्ता का मतलब हाउ आर यू बोलते हैं यहाँ पे फिलीपींस में, फिलिपिनो में। व्हाट डू थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डू हियर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू, दे हैव देयर ओन स्मॉल बिजनेस? So as you can see, maybe they'll have a junk shop here, majority of junk shop, because that has been the livelihood of people ever since. So even during the Smoky Mountains. So the reason why there are a lot of settlement for people here is because they try to get any scraps from the garbage and trash, like junk shop. Okay. So they sell copper. And they try to sell it. Yeah, sell copper, metals, whatever. So yeah, mein most of the businesses scrap ka hi business hamare friend bol rahe, aur ye dekh lo bhai. ऐसे ऐसे माहौल देखने को मिलते हैं भाई मेरे को, एंड यही चीज़ मेरे को इतना फैसिनेट करती है ऐसे एरियाज़ के बारे में। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स हमारी फ्रेंड बोल रही है कि यहाँ पे स्क्रैप का बिजनेस करते हैं लोग, क्योंकि पुराने टाइम से ऐसा ही यहाँ पे चीज़ें आता हुआ रहा है। पज्जा ओके हाँ ओके तो यहाँ पे हमारी फ्रेंड बोल रही है कि जो साइकिल में जो चला रहे हैं इसको पज्जाक बोलते हैं, विच इज़ अ मोर ट्रेडिशनल वन आई थिंक। हेलो गुड हेलो। अरे यहाँ पे लोग तो काफ़ी फ्रेंडली है यार, पीपल आर सो फ्रेंडली हियर। या वे
they're like saying hi, especially to foreigners. यहाँ पे आके ना आप लोग काफी सारे लोकल लोगों को बास्केटबॉल खेलते हुए देख सकते हो, लोकल बच्चों को. यार सही है यार, एटलीस्ट यहाँ पे कम से कम चाइना की तरह मोबाइल में तो नहीं बैठे लगे हुए यहाँ पे सारे लोग, कम से कम स्पोर्ट तो खेल रहे हैं यहाँ पे फिलीपींस में. हेलो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम वेलकम टू अमेरिका. गुड गुड, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम? Bingbao, Longbao, Longbao. His name is Longbao. Nice to meet you, bro. Prince. I am joking. Nice, Mr. Binyan. His name is PJ. No. PJ. Okay. Enjoy. No, he is very. Enjoy. ये भाई यहाँ पे भाई local माहौल यार, मनी लगा. और यहाँ पे again, hello brother, how are you? यहाँ पे again लोग यार काम कर रहे हैं अपना, और यहाँ पे देख सकते हो बास्केटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे अगेन यार. सो दिस इज द मोस्ट ऑफ द वर्क व्हिच पीपल डू हियर, राइट? स्क्रैप वर्क, सॉर्टिंग स्क्रैप. ऐसे यहाँ पे स्क्रैप का काम होता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे लोगों का मोस्टली जो वर्क होता है. हेलो हाउ आर यू? ऐसे स्क्रैप से रिलेटेड ही होते हैं भाई. हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? गुड. Hello. This is your house? Yes. Ah, okay. Can I go inside? Yes. Inside the floor. Go inside. And go to the second floor. You need two of five. Two of five. That's their house. This there is house. Beautiful house. भाई ऐसे यहाँ पे फिलहाल घर देख सकते हो आप लोग, टोंडो के. एक्चुअली ये सोसाइटी नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस सोसाइटी है, पर वहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, वो मेन गेट है. और जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे घर आपको अंदर मतलब घुसने के बाद हमें मिल जाती है. हमको परमिशन तो मिल गया, उन्होंने तो भाई लिटरली अपने घर तक आने के लिए बोल दिया था कि भाई हमारे घर तक आ जाओ. तो यहाँ पर भाई ऐसे भाई बच्चे देख सकते हो आप लोग. हेलो हाउ आर यू? गुड. यहाँ पे घर है, यहाँ पे टोंडो एरिया में मनीला के. एंड यहाँ से हम लोग नीचे से आए थे, यहाँ पे एक जाली है. और यहाँ पे हाउ मेनी हाउसेस डू यू थिंक? प्रोबेबली मोर देन 100 or so. ओह, इन दिस वन बिल्डिंग? या, इन जस्ट वन बिल्डिंग, बिकॉज़ एज यू सी देयर वेरी या, एंड इन एवरी अपार्टमेंट हियर मे बी देयर इज इफ नॉट वन टू और थ्री फैमिलीज आर लिविंग. यार ये तो बंद ही नहीं कर रहे यार, ये इन्होंने शुरू कर दिया बस. किए जा रहे एक बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया मेरे वीडियो का. तो ये एक्चुअली भाई एरिया यहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स बोल सकते हो आप लोग पूरे मनीला में. आप लोग भाई यहाँ पे बच्चों के हाथ में ये देख सकते हो यहाँ पे. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन गेम हियर इन. ओके. Okay. Now it has suddenly become famous. Okay. That's why everyone is having it. Like they just do it for fun, like tuck 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 tuck. Yes. Tuck, or yeah, or just like that. Oh. You are from this area? Yes, I am here. I'm living here since birth. Since birth? Yeah. How is life in this area? It's good? Oh wow, so beautiful. Because yeah. You know what? There are poor people here, but we are so kind and we are united. Oh, भाई साहब यहाँ पे बच्चों को देखो. Hello. यार कितना सही सीन है ये. What is your name? Cyril. 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 And you play volleyball? She's volleyball instructor. तो ये volleyball teacher है बोल रहे हैं यहाँ पे टोंडो में. तो ऐसे profession के लोग भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं यार. And बहुत ज़्यादा हटके, स्पेशली ऐसे एरियाज की अगर हम बात करें. तो यहाँ से भाई एक सीवेज का पानी जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मेल नहीं कर रहा. ऑफकोर्स आप लोग पानी का कलर देख के भी समझ सकते हो. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई यार वो भी नहीं लगाया, कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं लगाया. एंड जस्ट सीवेज के उस तरफ आप लोग देख सकते हो लोग घरों में रह रहे हैं. बता रहा हूँ ऐसे जगह पर आने के बाद सही मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ मैं. जैसे भी हम घर में रह रहे हैं, अगर आप लोग ये मोबाइल में देख रहे हो वीडियोज़, तो आई थिंक आप लोग को भी बहुत ग्रेटफुल हो जाना चाहिए. क्योंकि यार मैं जब ऐसे प्लेसेस आता हूँ तब मेरे जितने भी
थॉट्स है वो पूरे ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाती है, और बस जितने भी चीज़ें हैं मेरे पास उस चीज़ों को सोच के फिर मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि यार जो भी कुछ दिया है भगवान ने, कितना ज़्यादा कुछ दिया है। एंड मैं हरदम आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके पास घर के ऊपर छत है, अगर आपके घर पे बढ़िया पंखा या फिर एसी है, और अगर आप लोग ये जो हमारा वीडियो है वो अगर बढ़िया फ़ोन या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, आपको नहीं पता आप कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो। दुनिया जब मैं ट्रैवल करता हूँ तब जब मैं लोगों को देखता हूँ तब मैं समझ आता है हमको चीज़ें जो भी कुछ हमारे पास कितना कुछ है, बट हम ग्रेटफुल होते नहीं हैं, हम प्रॉब्ली रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पास कितना ज़्यादा है दुनिया से। ये भाई यहाँ पे लोकल लाइफ मनीला में। हेलो, हाउ आर यू? कैन आई गो दैट साइड? हाउ लॉन्ग दे आर स्टेइंग हियर? गलन कयो कतगल नकतरा दीतो? अमेरिका 20 इयर्स। 20 इयर्स। एंड हाउ इज लाइक लिविंग हियर? इट्स गुड। बुहाय नि दो पु दीतो। Ganun pa rin. Mining day. So they're saying that their life is just like this, doing all common things. They try to like do the scrapping, so that's the main job here. So they get money from that, so they eat. When they get scraps, then they eat. Okay. If they don't eat. इनके परमिशन से हमको भाई यहाँ पे इनके घर में आने का मौका मिला है, तो यहाँ पे खड़ा था मैं अभी खड़े होके भाई इनसे मैं बातचीत कर रहा था। तो ये इनका घर है, यहाँ पे ये लोग भाई देख सकते हो अलग अलग किस्म के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। एंड आई थिंक सही बता रहा हूँ, मैं फिलहाल बैठा हूँ, मैं खड़ा भी ढंग से नहीं हो पा रहा, मतलब खड़ा हूँ तो ऑफकोर्स मेरा जो सर है वो लग जाएगा। एंड इनका पंखा देख लो, ऐसा पंखा है। एंड ये हमारा छोटे भाई काफ़ी क्यूरियस हो रहे हैं, और यहाँ पे भाई देख सकते हो ये इनका घर है बोल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग सोते हैं, कम से कम 4 से 5 लोग को यहाँ पे फिट होना पड़ता है ऐसा ये बोल रहे हैं। एंड ये पूरा माहौल है, यहाँ पे ऊपर का माहौल है। एंड यहाँ से अगर आप देखो तो ये व्यू है इनका, जो यहाँ पे जो नाले का पानी है वहाँ का, तो लिटरली ये लोग नाले के पानी के बस लग के ही ये लोग रह रहे हैं। यार ऐसे प्लेस में पहली बार आया हूँ यार, मैंने कभी लाइफ में ऐसा प्लेस ही देखा यार। थोड़ा सा अगर मैं ऊपर खड़े हो रहा हूँ तो मुझे पंखा लग रहा है। और ये बच्चों की शक्ल में हंसी देखो यार आप लोग। तो मैं इनको पूछ रहा हूँ कि भाई, इन भाई को पूछ रहा हूँ कि क्या बनना है लाइफ में, तो ही सेइंग ही वांट्स टू बिकम पुलिस। ओके ओके, बट यू डोंट लाइक स्टडीज? या नो स्टडीज? ये भाई यहाँ पे रियल लाइफ टोंडो में यहाँ म्यूजिक बज रही है। हेलो, क्या गाना गा रहे हो यार? यू सिंगिंग सॉन्ग? हाँ भाई, क्या बात है। Sing music like this? Yeah. Filipino loves karaoke. Hello, hello. How are you? Good? Good, good? Yes. How is life going? No. Not good? But why? You know what kind of food? No, I am new here. I don't know. Can you explain me? Yeah, I can tell you. So, interested in khana bech rahe hain. Sorry? Palpak? पक पक ओके। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग से खाना यहाँ पे बेच रहे यार, मेरे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हड्डियाँ बेच रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक पोर्क या फिर बीफ का बोल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितने स्माइलिंग लोग हैं यार, मैं क्या बताऊँ आप लोग, बट वहाँ पे ऐसे भाई खाना वगैरह खा रहे थे। Other people say poor people's food are like sweet potatoes, okay. Right? But here in the slum area, they have this called pagpag, which is their poor people's food here. Ah, okay. Pagpag is a food scrap from the trash. They pick it up, they sort it out. Mm-hmm. So let's say, for example, scraps of Jollibee or McDonald's, the chicken scraps that they have thrown out the trash, mm-hmm. people will take it, mm-hmm. and then they will like sort out which are still mm-hmm. able, can still eat something out of the others. Okay. And then they will recook it and reheat it. So this is the bones which are coming from the different places? Yeah. Okay. And then the poor people here, they eat that? Yes. ये देखो भाई यहाँ पे कोई डीजे चल रहा है, ऐसे भाई माहौल आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह म्यूजिक, हर जगह लाइफ एकदम टू द मैक्स।
इतना एरिया हॉस्टल एरिया के पास मैं अभी आया हूँ, और सही बता रहा हूँ गाइस, जब मैं मनीला के ये वाले साइड में आ रहा हूँ तो इतना ज़्यादा कल्चरल शॉक लग रहा है मेरे को देखने में, क्योंकि जो साइड मैंने आप लोगों को दिखाया और जैसे इस तरफ आते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स मॉल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, और लगता है कि यार बस एक घंटे की जर्नी है और कितना कुछ बदल गया है, राइट। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो ऑफ कोर्स एक्चुअली जो मनीला है वो एक्चुअली मनीला नहीं है, वो तो एक पार्ट है मनीला का जो कि आप लोगों को वैसा देखने को मिल जाता है। बट एनीवेज गाइस, सही बता रहा हूँ, ऐसे प्लेसेस ट्रैवल करने का जितना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ मैं कि जितना भी कुछ है, मतलब जितना कम भी है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत है मेरे पास, क्योंकि जो लाइफ मैंने वहाँ पर देखी है वो अनबिलीवेबल है गाइस। एंड मैंने बहुत सारे स्लम्स देखे हैं, मैंने अफ्रीका में बहुत सारे स्लम्स देखे हैं, पर ये वाला कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लगा मेरे को। सो दैट वाज ऑल अबाउट टोंडो गाइस। तो यहाँ से मैं कल निकलने वाला हूँ काफ़ी और इंटरेस्टिंग प्लेस में, फिलीपींस में। एक्चुअली फिलीपींस में मेरा मकसद है आप लोगों को जो एक्चुअली फिलीपींस है वो दिखाना है। नॉर्मली आप लोगों ने फिलीपींस में पार्टी बीचेस ये सारी चीज़ें देखे थे, बट डीप इनसाइड बहुत कम लोगों ने इस कंट्री को एक्सप्लोर करा है। तो यहाँ से मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखोगे, एंड वहाँ भी काफ़ी काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है जो आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना अपना व्यूज़ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड शेयर करना गाइस। अंटिल देन खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश करिए, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।